हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल्स एंड यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, देन यू डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर मिस टू हिट द बेल आइकन सो यू मे गेट अपडेट्स। तो आइए, आज हम लोग जो है एमसीक्यू कड़ी में 18th सेंचुरी का ये आपका जो है थर्ड वीडियो सीरीज बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर है, 18th सेंचुरी थर्ड वीडियो है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एमसीक्यू का में का अगर प्रीवियस ईयर का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप जल्दी से इसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कहता है व्हेन डिड जॉर्ज द थर्ड सक्सीडेड टू द थ्रोन। ये जॉर्ज द थर्ड जो है ना वो आपका गद्दी पर कब आया। तो जॉर्ज द थर्ड जो है आपका 1760 को आया। आपका ये सी वुड बी करेक्ट आंसर, ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जॉर्ज द थर्ड वाज बोर्न इन 1789 इन। जॉर्ज द थर्ड का जो है जन्म कहां पर हुआ, डरहम में, ब्राइटन में, ऑक्सफोर्ड में, लंदन में। तो इसका आपका जन्म जो है लंदन में हुआ, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में। कहते हैं जॉर्ज द थर्ड रेन फ्रॉम द 1760 से इसका आपका कार्यकाल कब रहा। तो ये आपका 1820 तक इसका रहा, आपका 1700 आपका 60 से लेकर के 1820 तक रहा डियर स्टूडेंट्स। अब न्यू क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। कहता है जॉर्ज सेकेंड वाज द जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज द सेकेंड वाज डॉट ऑफ द जॉर्ज द थर्ड। जॉर्ज द सेकेंड जो है ना जॉर्ज थर्ड का कौन थे, तो ये आपका ग्रैंड फादर हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ। तो ये डी हो आपका हो जाएगा 1789 हो जाएगा। सब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फ्रेंच रिवोल्यूशन वाला है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज, आप फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो है कार्यकाल कब माना जाता है। तो 1789 टू 1799 ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। 17 आपका 89 टू 1799, 1789 से लेकर के 1799 तक हमारा जो है वो आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन का पीरियड था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, अमेरिका का जो है वार नहीं, अमेरिका का जो है ना वो उसका इंडिपेंडेंस कब मतलब कि घोषणा किया गया। तो 1776 में हुआ, ये वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। फ्रॉम व्हेन डिड द एज ऑफ ट्रांजिशन स्टार्ट, एज ऑफ ट्रांजिशन कब स्टार्ट हुआ हमारा। तो ये आपका लेटर 18th सेंचुरी हो जाएगा, ये वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं व्हेन डिड द वार ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड, ऑस्ट्रियन सक्सेशन ये वार जो है कब एंड किया गया। तो ये 1748 होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि 10 में इन 1783 में क्या हुआ था। तो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड, आपका ये द ट्रीटी ऑफ द पेरिस वाज साइंड होगा था, ये फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता हु बिगेन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया इन द 1757, इंडिया को जीतने वाला कौन था। तो ये जनरल क्लाइव था, कब जो वो विजयी हुआ था 1857 की क्रांति में। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आते हैं। एज ऑफ ट्रांजिशन इज द चेंज फ्रॉम द सूडो क्लासिसिज्म टू
रोमांटिसिज्म हो जाएगा यहाँ पर, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका हर एक एग्जामिनेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग रुक करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। व्हेन वाज द कमेटी फॉर द अबोलिशिंग द स्लेव ट्रेड एस्टैब्लिश्ड बाय द इवेंजेलिकल इंग्लिश प्रोटेस्टेंट, ये कब किया गया है? तो ये चौथा हो जाएगा 1787 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग रुक करेंगे। कहता है व्हेन वाज द स्लेव ट्रेड अबोलिशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, स्लेव ट्रेड अबोलिशन जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये 1807 में किया गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द वारन हैसिंगटन हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स कौन था? ये साइंटिस्ट था, ये गोल्फ प्लेयर था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ब्रिटेन एम्बेसडर टू रशिया था। ये सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। 16, when did the trial of the Warren Hastings take place? When did the trial of the Warren Hastings take place? ये कब Warren Hastings का जो है वो कब लिया गया? समझिए ना क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका 1785 में, 1788 में, तो ये 1788 हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 में। कहते हैं व्हेन वाज द वारन हेस्टिंग्स फाउंड नॉट गिल्टी, आपका ये हो जाएगा 1795 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग थोड़ा उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हेन वाज विलियम पीट मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, विलियम पीट को जो है ना इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कब बनाया गया? 1783 में बनाया गया डियर स्टूडेंट, 1783 में। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट में, कहता है 19, व्हाट वाज द एज ऑफ द विलियम पीट व्हेन ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्राइम मिनिस्टर था मात्र वो 24 साल का था, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, वो ग्रेट ब्रिटेन का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ये आपका विलियम पीट हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं, है ना। कहता है 21, व्हाट काइंड ऑफ आइडिया डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रेजेंट, वो किस तरह का आइडिया को फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को प्रेजेंट करता है, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, विच इरा कंबाइंड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू गिव बर्थ टू द डेमोक्रेसी, किस इरा को कंबाइंड करता है? ये तो आपका ट्रांजिशनल इरा को जो है कंबाइंड करता है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, व्हेन वाज डॉक्टर जॉनसन बोर्न, डॉक्टर जॉनसन का जन्म कहां पर हुआ, सॉरी कब हुआ? तो ये 1709 में, 1709 में हुआ, काफी इंपॉर्टेंट पूछ रही है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट में, कहता है डॉक्टर जॉनसन डाइड इन, डॉक्टर जॉनसन का मतलब कि कब मृत्यु हुआ? तो डॉक्टर जॉनसन का मृत्यु जो है 1784 में हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द डॉक्टर जॉनसन फादर, तो डॉक्टर जॉनसन का फादर का प्रोफेशन क्या था? वो बुक आपका सेलर थे, समझिए ना, बुक को वो बेचा करते थे, डी वुड बी करेक्ट। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 26, व्हाट डिड डॉक्टर जॉनसन रिप्रेजेंट, डॉक्टर जॉनसन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ओल्ड ऑर्डर ऑफ क्लासिसिज्म को ये डॉक्टर जॉनसन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग, आपका 27 में, द एज ऑफ ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एज ऑफ ट्रांजिशन जो है किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया गया? रिनाशा ऑफ लर्निंग के द्वारा ये एज ऑफ आपका ट्रांजिशन कैरेक्टराइज किया गया डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका, व्हाट वाज द थीम ऑफ द पोएम वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस का आपका थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, बी वुड बी करेक्ट आंसर, है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 29 में, हु रोट द पोयम आपका लंडन, लंडन पोयम कौन लिखा था, डॉक्टर जॉनसन ने, सॉरी सैमुअल जॉनसन ने लिखा, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द पोयम लंडन बाय द जॉनसन्स, ये तो आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर, डार्क एंड मेजरेबल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड को जो है उन्होंने हाईलाइट किया है, इन इंग्लैंड जो है काफी खराब कंडीशन में गुजर रहा था उसको यहाँ पर हाईलाइट किया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स शोड द रोमांटिक टेंडेंसी टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, वो कौन दिखाता है, तो आपका विलियम ब्लैक भी है, रॉबर्ट बर्न्स होगा और जॉन ड्राइडन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये दोनों है, तो बोथ वुड बी करेक्ट आंसर, ये भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, आपका कहता है कि अगेंस्ट विच 32 में, अगेंस्ट विच थिंग वाज द ट्रेडिशनल पोएट्री ए रिएक्शन, कहते हैं ट्रांजिशनल पोइट्री का रिएक्शन को न्यू रूल्स पोइट्री ऑफ द चौसर कन्वेंशनल रूल्स एंग्लो सेक्शन पोइट्री, तो ये आपका कन्वेंशनल रूल्स होगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आप डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 33 में, ट्रांजिशनल पीरियड इज फ्यूजन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी ऑफ, ट्रांजिशनल पीरियड जो है किसका आपका फ्यूजन है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका मिडिल क्लास का फ्यूजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, समझिए ना, क्वेश्चन नंबर 34 में, हु वाज द क्रिस्टोफर स्मार्ट, क्रिस्टोफर स्मार्ट कौन था, ही वाज एन इंग्लिश पोएट, क्रिस्टोफर स्मार्ट जो है वो इंग्लिश पोएट था डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग रुक करेंगे, कहता है 35 में, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ द क्रिस्टोफर स्मार्ट, क्रिस्टोफर स्मार्ट का लाइफ स्पेन क्या है, 1722 से 1771 हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 आपका, फॉर व्हिच वर्क वाज द क्रिस्टोफर स्मार्ट फेमस, क्रिस्टोफर स्मार्ट किस वर्क्स के लिए फेमस, सॉन्ग रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ मैड हाउस, ये बी वुड भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग 37 में, कहता है क्रिस्टोफर स्मार्ट रोट सॉन्ग्स टू, वो किसके लिए लिखा, डेविड के लिए लिखा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 38 में, कहता है हु रोट द जुबिलेट अगो अग्नो, जुबिलेट अग्नो को लिखने वाला कौन था, क्रिस्टोफर स्मार्ट ने ही लिखा डियर स्टूडेंट, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं 39 में, हु वाज द लॉरेंस स्ट्रेन, लॉरेंस स्ट्रेन कौन था, तो एन एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट था, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कहते हैं लॉरेंस स्ट्रेन वाज द बॉर्न इन द आयरलैंड इन आपका 1730 हो गया, तो ये आपका था 40 क्वेश्चंस का आपका एमसीक्यू सीरीज था, जो आपका ट्रांजिशन एज से था, एज ऑफ आपका 18th सेंचुरी था। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और आप लोग जो आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।